सोर्सेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी में मैं ये गाइड करूंगा सबको कि जो एफपीएससी ने सजेस्टेड रीडिंग्स दी हुई है, जो बुक्स दी हुई हैं, जो ऑनलाइन साइट्स उन्हें दी हुई हैं सिलेबस के नीचे, वो लाजमी उनको आप पढ़ें। जितनी भी बुक्स हैं आप सर्च करें, वो पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल है। उन बुक्स को आप खोलें, अपना सिलेबस सामने रखें और उनके अंदर जो से भी आपके टॉपिक्स रिलेट करते हैं, यानी जो टॉपिक्स सिलेबस में भी है और उन बुक्स में भी हैं, उन टॉपिक्स को आप पढ़ें और उसमें से अपने नोट्स प्रिपेयर करें। इस तरह ये होगा कि एग्जामिनर जिसने ये बुक्स से गो थ्रू हुआ होता है, वो लाजमी उन्हें अपनी लाइफ में पढ़ी होती है और पढ़ाई होती है, तो उसके ऊपर एक इंप्रेशन होता है कि जी ये बुक्स पढ़ के आया जो सजेस्टेड है, और उसमें से ही अपने पॉइंट्स दे रहा है, उसी में से अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है मेरे नज़दीक एग्जामिनर पे, कि आप अगर सजेस्टेड रीडिंग्स पढ़ के जाएं। इस तरह आप देखें तो सिलेबस के नीचे उन्हें डिफरेंट साइट्स दी हुई हैं, पाकिस्तान क्रिमिनोलॉजी काउंसिल, एशियन क्रिमिनोलॉजी काउंसिल, ब्रिटिश, इस तरह डिफरेंट साइट्स भी दी हुई हैं। तो आप मस्ट उन साइट्स को देखें, उनको विजिट करें, उन पर पढ़ें। ये आपके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके सोर्सेज हैं नोट्स के लिए क्रिमिनोलॉजी के। इसके अलावा जब जिस तरह सेक्शन 4 है क्रिमिनोलॉजी का, वो कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी है, तो वो शायद आपके बुक्स में ना मिल सके वो पॉइंट्स, वो चीज़ें, क्योंकि वो पाकिस्तान रिलेटेड ज़्यादा है। तो उसके लिए आप ऑनलाइन सोर्सेज विजिट कर सकते हैं, वो काफ़ी साइट्स ऐसी हैं जिसमें आपको हेल्प आउट, वो आपको हेल्प आउट कर सकती है आपके नोट्स प्रिपरेशन में। तो ये मेरे सोर्सेज हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप सजेस्टेड रीडिंग्स को ही देखें, बजाय कि आप मार्केट में कोई बड़ी किताब को उठाएं और उसको पढ़ने लग जाएं। तो मेरे नज़दीक ये देखें।